गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, इस कोरोना संकट काल में आप सभी को सरकारी एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पूर्णतः 100% पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहना है और सुरक्षित रहना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल आप ये पहला चैप्टर जीव में जनन से संबंधित कुछ चर्चा की गई थी। कई बच्चों ने शिकायत की कि हमारे पास बुक्स नहीं है, तो उसी दृष्टि से मैंने आपको बुक्स का क्रमशः टॉपिक वाइज एक वीडियो बनाने की कोशिश किया है। ये मेरा पहला वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। और पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से सुने और उसके बाद अपना फीडबैक दीजिएगा। होमवर्क जो हम देंगे उसको आप लोग पूरा करके भेजिएगा कल की तरह। बच्चों, जीवों में जनन, कल आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी इस पर अध्ययन किया और बच्चों ने अपना होमवर्क बना के दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि बच्चे इसके प्रति जागरूक हैं और उनके अंदर जिज्ञासा है कुछ सीखने की, तो मेरा मनोबल और बढ़ा है। इसीलिए मैं एक आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की किताब की कमी न खले। बच्चों, आपका जीव विज्ञान कक्षा 12 का ये जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, इसमें आप लोग देखिए कि यह जो पेपर होगा, बोर्ड का पेपर, वो 70 अंकों का एक पेपर होगा 3 घंटे का, और 30 अंक का प्रयोगात्मक परीक्षा। पास होने के लिए न्यूनतम जो उत्तीर्णांक हैं वो लिखित थ्योरी पेपर में 30 अंक और प्रैक्टिकल के लिए कम से कम 10 अंक, कुल मिला के 33 अंक आपको पास होने के लिए पाना आवश्यक है। पहली इकाई जनन है और इस जनन में कई चैप्टर हैं, आगे हम आपको बताएंगे। जो बोर्ड पेपर में इससे संबंधित अंक आते हैं वो 14 अंक का इस जनन चैप्टर से आते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो जो टॉपिक, जो जो हेडिंग बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी उसको हम आपको बताते जाएंगे, उसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। अपने पास आप रफ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, उसको नोट करते जाइएगा। ये चैप्टर वाइज दिया हुआ है जीवों में जनन, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं, देखिए जनन, इसमें 4 चैप्टर हैं पहली इकाई जनन से, और जिसमें पहला चैप्टर है जीवों में जनन, दूसरा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तीसरा मानव जनन और चौथा जनन स्वास्थ्य। इसी 4 चैप्टर से 14 अंक बोर्ड परीक्षा में निर्धारित हैं, यहाँ पर जैसे आपको हमने बताया था, ठीक है। ये पूरा चैप्टर वाइज दिया हुआ है, आपकी विशेष सूची से संबंधित हैं, कौन कौन टॉपिक इसमें आपको पढ़ने हैं ये आगे हम आपको बताएंगे। अब आपका यहाँ से चैप्टर शुरू होता है जीवों में जनन। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो जीव होते हैं सजीव, सजीवों का प्रमुख लक्षण, जैसा कि हमने कक्षा 11 में आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया था, बताया था कि सजीवों के कई लक्षण होते हैं, उसमें से यह प्रजनन एक प्रमुख लक्षण है जो जीव जातियों को निरंतर बनाए रखता है। यानी कि इसकी जो परिभाषा होगी वो कोई भी जीव अपनी जाति के नए सदस्य को उत्पन्न करता रहता है और इसी प्रक्रिया को प्रजनन या जनन, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि यह सजीव का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है।
अब देखो जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है। जीव में जनन ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है, इसके दौरान क्या क्या घटित होते हैं। सबसे पहले डीएनए का द्विगुणन डुप्लीकेशन होता है, आरएनए और प्रोटीन रसायन का संश्लेषण होता है, कोशिकाओं में विभाजन होती रहती है जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। प्रजनन अंगों का निर्माण होता है और जाति की निरंतरता व अस्तित्व सुनिश्चित होता है। अब कितने प्रकार की ये जनन विधियां हैं ये आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो दिया गया है ये पौधों में जनन की तीन प्रमुख विधियां बताई गई हैं। ये पौधों के लिए तीन विधियां, वास्तव में प्रमुख रूप से दो ही विधि होती है, अलैंगिक और लैंगिक, लेकिन पौधों में एक कायिक या इसी को वर्धी और अंग्रेजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। सच पूछो ये कायिक जनन अलैंगिक जनन का ही रूप है, क्योंकि इसमें भी एक ही जनक प्राणी अपने शरीर से नए सदस्य को उत्पन्न करता है, इसलिए एक प्रकार से अलैंगिक जनन ही है। अब पौधों में जनन देखिए, कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा लैंगिक जनन। अब कायिक जनन में भी दो प्रकार हैं, प्राकृतिक जिसे नेचुरल कहते हैं और कृत्रिम, और इंग्लिश में आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक जनन भी चार प्रकार का है, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, तीसरा पत्र प्रकलिकाओं द्वारा और चौथा है पत्तियों द्वारा। ये चार प्रकार कायिक जनन के हैं जिसे हम प्राकृतिक कायिक जनन भी कहते हैं। इसमें तनों द्वारा कई प्रकार दिए गए हैं, 7-8 प्रकार हैं, जो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आता है, आगे हम डिटेल में बताएंगे। ये देखो तनों द्वारा एक प्रकंद है राइजोम, राइजोम एक तना है जो भूमिगत तना होता है, जड़ों यह जड़ न होकर के ये तना का रूप है और जमीन के अंदर ये रहता है। जैसे आपने देखा होगा कुश ऊपर जो निकलता है वो पत्ती होती है और उसके नीचे उसका तना होता है और इसके नोड यानी गांठें से एक एक कलिकाएं निकल करके ऊपर निकलती हैं। ये राइजोम, हिंदी में प्रकंद, घन कंद कॉर्म, ये सूरन वगैरह, सलकंद बल्ब जिसे बोलते हैं प्याज, कंद है ट्यूबर है, ठीक है। अंतर्भूस्तारी शकर, ऊपरी भूस्तारी रनर जिसे कहते हैं, भूस्तारी स्टोलोन, भूस्तारिका ऑफसेट, ये तने के कई प्रकार हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो मानव आर्टिफिशियली कृत्रिम ढंग से पौधों में जनन कराता है उसे हम कृत्रिम आर्टिफिशियल कहते हैं, जिसमें कई प्रकार हैं, कलम लगाना, रोपण या पैबंद लगाना, शाखा बंधन या अंतश्चापन जिसे इंचार्जिंग बोलते हैं, इनार्चिंग, कली लगाना बडिंग, दाब लगाना लेयरिंग, गुटी बंधन गुटिंग। उसी प्रकार से दूसरा अलैंगिक जनन में भी कई प्रकार हैं, जैसे द्विविभाजन या बहुविभाजन, इंग्लिश में बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन कहते हैं। दूसरा है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। तीसरा मुकुलन बडिंग, फिर कलिका निर्माण, और अंत में पांचवा प्रकार इसका खंडी भवन या पुनरुद्भवन, फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन, जिससे शरीर जो पौधों के पार्ट होते हैं वो टुकड़ों में टूटते हैं और फिर
उनके द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। और पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन, जो भाग टूटा हुआ है उससे फिर वो भाग फिर से जर्मिनेट, फिर से बन जाना, उत्पन्न हो जाना, ये रीजनरेशन है। और लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये दोनों ही भाग हैं। और परीक्षा की दृष्टि से ये नेचुरल जो तनों के प्रकार है इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब विस्तार से कायिक जनन, या इसी को कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्पी पौधों में, जिसमें ऐसे पौधे जिसमें फूल उत्पन्न होते हैं, उनमें प्रजनन क्रिया बीजों द्वारा संपन्न होती है। बीज नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन के फलस्वरूप बनते हैं और इनके अंकुरण से नए पौधे जन्म लेते हैं। इस प्रकार के प्रजनन को लैंगिक जनन कहते हैं। जबकि पौधों में बीजों के अतिरिक्त वर्धि या कायिक अंग, जैसे तना है, पत्ती है, जड़ है, अनेक अंग होते हैं, द्वारा भी प्रजनन की क्रियाएं संभव होती हैं। बिना नर और मादा युग्मकों के नए पौधे उत्पन्न होना, ये कायिक जनन में आता है। असेक्सुअल जनन, या इसी को, चूँकि एसेक्सुअल जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही यह भाग है, इसीलिए पौधों में प्रजनन की इस विधि को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, जैसा कि शुरू में बताया हमने, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन वह प्रवर्धन है जो स्वतः पौधे ऐसे ढंग के द्वारा अपने अंग अलग अलग होकर नए पौधों को जन्म दे सकें, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। इनके अनेक भागों द्वारा होता है, तो क्रमशः हम हर भागों से देखते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला है जड़ों द्वारा, देखते हैं जड़ों द्वारा कैसे इनमें पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। तो देखिए, जड़ों द्वारा एक सतावर, एस्परेगस इसका उदाहरण है, शकरकंद इसका वैज्ञानिक नाम, आइपोमिया बटाटा, डहेलिया आदि जड़ों पर अनेक वर्धि कलिकाएं विकसित होती हैं। ठीक है, और ये कलिकाएं अनुकूल वातावरण में, अनुकूल समय में प्रस्फुटित होकर नए पौधों को जन्म देती हैं। ठीक है, तो ये जड़ों द्वारा हो गया। तनों द्वारा भी पौधों में नए पौधे उत्पन्न होते हैं। जो तने भूमिगत हैं, कायिक जनन भूमिगत, भूमिगत क्या क्या है, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, कंद व अंतःभूस्तारी तथा अर्धवायवी। अर्धवायवी मतलब तने का कुछ भाग हवा में और कुछ भाग जमीन के अंदर जो रहते हैं उसे अर्धवायवी बोलते हैं। जिसे ऊपरी भूस्तारी मतलब जमीन के ऊपर रेंगते हुए कुछ पौधे के तने जो होते हैं, जैसे दूब है, ये उसका कुछ हिस्सा जमीन से अटैच रहता है और कुछ हिस्सा ऊपर रहता है। ऊपर भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारिका दोनों ही प्रकार के तनों द्वारा होता है। तने का वायवी भाग प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हो जाता है तथा भूमिगत भाग सुरक्षित रहता है, और अनुकूल परिस्थितियों में पुनः नई कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं। इसी तने में जब कई प्रकार के द्वारा, जैसे प्रकंद है, राइजोम, राइजोम बताया हमने कि ये भूमिगत तना का रूप है, जैसे अदरक, हल्दी, केली में पर्याप्त मात्रा में इनमें भोजन संचित रहता है।
और प्रकंद पर शल्कपत्र, शल्कपत्र वो जो सूखे सूखे होते हैं उनके कक्ष में कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और अनुकूल मौसम में ये नए प्ररोह उत्पन्न करते हैं और बाद में अलग होकर ये नए पौधे को जन्म देती हैं। इसका उदाहरण अदरक, हल्दी आदि है। घनकंद, घनकंद का उदाहरण केसर, अरवी है, सूरन है, बंडा है, ये उदाहरण है। ये भूमिगत तने का रूपांतरण है, तो याद रहे घनकंद का उदाहरण सूरन, अरवी, ये भी तने का ही रूप है। जो सूरन है, अरवी है, ये तना ही है आलू की तरह। इससे भी नए पौधे, इनकी कलिकाएं निकलती हैं, नए पौधे उत्पन्न होते हैं। शल्ककंद, इस बल्ब इंग्लिश बोलते हैं, यह प्याज है, लहसुन है, ठीक है, टूलिप, नरगिस आदि, ये शल्ककंद का उदाहरण है। और इसमें भोजन शल्क पत्र में एकत्रित रहता है और बाद में इनमें कलिकाएं उत्पन्न होकर के नए पौधे को जन्म देती हैं। इसी तरह से कंद है, कंद ट्यूबर, ये आलू को कहते हैं, आलू इसका उदाहरण है। और इसमें भी संचय भोजन रहता है और अंत में इनकी नोट्स और इंटरनोड, तने का सबसे बड़ा पहचान है कि उसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो आलू में भी जो आँखें जिसे बोलते हैं आप लोग, उस आँखों में से कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं। इसी तरह से अंतःभूस्तारी, इसका उदाहरण है पुदीना, गुलदाउदी, ये अंतःभूस्तारी का उदाहरण है। ये उदाहरण आप लोग ध्यान से देखते जाइए, नोट करते जाइए। ये भूमिगत भाग से इन शाखाएँ निकालते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। देख रहे हैं ये फिगर में, ये जगह जगह पर इनमें शकर, शकर मतलब कि ज़मीन को पकड़े रहते हैं और यहाँ से जड़ें निकलती हैं, नए पौधे निकलते हैं। ऊपरी भूस्तारी या भूप्रसारी, रनर जिसे बोलते हैं, कुछ पौधों में तना पिसर्पी होता है जो पौधे की सतह पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है, जैसे दूब घास, खट्टी बूटी, ब्राह्मी बूटी, ये ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण है। ध्यान रहे ये जो उदाहरण है परीक्षा की दृष्टि में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ऊपरी भूस्तारी या भूप्रसारी का उदाहरण दूब घास, खट्टी बूटी, ब्राह्मी बूटी, शकरकंद, शकरकंद आदि ऊपरी भूस्तारी के उदाहरण है। तो शकरकंद ये में जनन, काई की जनन होता है वो तने के द्वारा, और उसका क्या है ऊपरी भूस्तारी। तो इनकी परोसंधियों में अपस्थानिक जड़ें और कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं और यही कलिकाएं वृद्धि करके फिर धीरे धीरे ये एक स्वतंत्र पौधा बन जाते हैं। भूस्तारी जिसे स्टोलोन बोलते हैं, इसका उदाहरण है झुमक लता, अरवी है, केला है, बेला, चमेली आदि के परोसंधियों के अपस्थानिक जड़ें तथा वायवी प्रवोह निकलते हैं। भूस्तारी के टूटने पर प्रत्येक वायवी से एक स्वतंत्र पौधा बन जाता है। ये देखिए उदाहरण ब्राह्मी बूटी का, और ये रनर आप देख रहे हैं, ये रनर बीच में, ये ज़मीन से लगा हुआ है, रनर ऊपर सरफेस के ऊपर, ज़मीन के ऊपर से ये नोड है, यहाँ ये नोड, ये नोड, ये नोड, बीच में ये इंटर नोड का भाग होता है और ये इसकी जड़ें हैं। तो इस तरह से ये ब्राह्मी बूटी ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण है। उसी तरह से भूस्तारी, ये भूस्तारिका या भ्रूपसारिका जैसे ऑफसेट इंग्लिश बोलते हैं, जलीय पौधे जैसे जलकुंभी, पिष्टिया आदि के भूस्तारिका में परो
छोटे और मोटे होते हैं और इनकी परसंधियों से पत्तियों का जो झुंड उत्पन्न होता है, नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें गुच्छों के रूप में विकसित होती हैं और तने के टूटने से फिर नया पौधा स्वतंत्र रूप से बन जाता है। इसी तरह से पत्र प्रकलिकाओं या पत्र कंदों द्वारा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बल्बिल्स, बल्ब्स अलग है और बल्बिल्स अलग है, ये कलिकाएं इनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है वो पत्र प्रकलिकाएं कहलाती हैं। कलिकाएं मातृ पौधे से टूटकर भूमि पर गिर जाती हैं और अनुकूल मौसम में इनमें जो है कि अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और भूमि से जल खनिज लवण का अवशोषण करते हैं और फिर वृद्धि करके नए पौधे बन जाते हैं। तो इसका उदाहरण है खट्टी बूटी, रतालू, लिलियम बल्बीफेरम, ये आदि इसके उदाहरण हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। पत्तियों द्वारा देखें, कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे ये हैं, पत्तियों द्वारा भी नए पौधों को जन्म देते हैं। ये ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम का ये सबसे बढ़िया उदाहरण है पत्तियों द्वारा, और पत्तियों के जगह जगह पर इनमें से अलग हो करके कुछ पौधों में पत्तियाँ खाद्य पदार्थ का संचित करती हैं और वहाँ से अनुकूल मौसम के समय में ये कलिकाएँ निकलती हैं और वहाँ से अपस्थानिक कलिकाएँ जो अनुकूल मौसम में बन जाते हैं वो फिर अलग होकर के ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनसे वृद्धि होकर नए पौधे बन जाते हैं। इसका उदाहरण अजूबा, जैसे ब्रायोफाइलम इंग्लिश से बोलते हैं, सबसे बढ़िया उदाहरण है। और एक है बिगोनिया, कलांचू, ये सब पत्तियों द्वारा अपने नए पौधों को जन्म देते हैं। अब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बाद कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पर जरा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि पौधों में जो सामान्य जनन है, जिसे हम नेचुरल बोलते हैं प्राकृतिक, वो तो आपने देखा कि पौधे में स्वतः अपने आप कहीं कहीं कलिकाएं बन करके नए पौधे जन्म देती हैं। लेकिन कृत्रिम को कहते हैं जो कि स्वतः पौधों में ना हो, मानव उसे उत्पन्न करता हो कृत्रिम ढंग से, ऐसे प्रवर्धन को हम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें विशेष रूप से क्या है, इसमें मातृ पौधे के शरीर से विशेष विधियों द्वारा एक अंश अलग कर लिया जाता है और फिर इसे स्वतंत्र रूप से भूमि में उगाया जाता है। जिन पौधों में बीज बनने अथवा बीजों के अंकुरित होने में कठिनाई होती है, उनमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन ज़्यादा उपयोगी होता है और यह भी अनेक विधियों द्वारा होता है, जैसे कलम लगाना, गुलाब, गुड़हल, गन्ना, ठीक है, नींबू, अनार, अंगूर, कनेर आदि पौधे इसी विधि से उगाए जाते हैं, कलम लगाने की विधि से। तो ये काट करके कलम बांध दिए जाते हैं और कुछ पौधों में कलम में अपस्थानी जड़ें कठिनाई से निकलती हैं तो उनमें जो है कि इंडोलेस्टिक एसिड आई है, ये एक तरह से हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन का ये रूप है इंडोलेस्टिक एसिड, छिड़काव कर देते हैं तो उसमें जड़ें आसानी से निकल जाती हैं और फिर वो नए पौधे के रूप में विकसित होने लगते हैं। देखिए, ये कलम लगाना का एक ये उदाहरण है फिगर के माध्यम से, इस तरह से कलम ऐसे तिरछा काट करके ज़मीन में लगा देते हैं। जैसे गुलाब का अगर लगाना हो तो तिरछा ऐसे काट कर एक एक फीट का काट करके, बस ध्यान ये देना है कि जो वर्टिकल भाग होगा तने का, जो वर्टिकल यानी कि ऊपर वाला भाग होगा ऊपर की तरफ रहे और नीचे वाला भाग नीचे की तरफ ज़मीन में लगा देंगे तो ये नए पौधे को जन्म देता है। ये इसी को कलम लगाना विधि बोलते हैं। दूसरा है रोपड़ या पैबंद लगाना।
यहाँ देख लीजिए फिगर के माध्यम से आप समझ जाएंगे रोपड़ कैसे ये इसी तरह से कटिंग करके इसमें रोपित किया जाता है, इसलिए इसे डायरेक्ट रोपड़ कहते हैं। किसी तने में, किसी वृक्ष के तने में इसे काट करके रोपित कर देते हैं, फिर ज्वाइन करने के बाद उसमें नए पौधे बन जाते हैं, जड़ें निकलने लगती हैं, फिर बाद में अलग करके उसको जो सही सुटेबल जगह पे रोपित कर देते हैं। इसमें देखिए किसी जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर किसी दूसरे पौधे के तने उगाने की विधि को रोपण कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। फिर से ध्यान से सुने, किसी जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर किसी दूसरे पौधे के तने उगाने की विधि को रोपण कहते हैं। इस विधि में किसी घटिया नस्ल के पौधे की टहनी काटकर उस पर किसी अच्छे नस्ल के पौधे एक जैसी मोटी टहनी या कलम लगा काटकर लगा दी जाती है। घटिया नस्ल के पौधे को जिस पर कलम लगाई जाती है उसे स्टॉक कहते हैं और अच्छी नस्ल वाला पौधा सियान कहलाता है, ठीक है। फिर दोनों पौधों के कटे हुए भाग जोड़कर धागे या सूत्रे से बांध देते हैं, तत्पश्चात जोड़ के चारों ओर मोम या नम मिट्टी का लेप कर देते हैं, उसको बांध देते हैं ताकि घाव से वाष्पीकरण न हो सके और जीवाणु कवक आदि का प्रवेश न हो सके। एक माह के पश्चात दोनों के ऊतक जुड़ जाते हैं और इस प्रकार नए पौधे का निचला भाग घटिया नस्ल का तथा ऊपर भाग बढ़िया नस्ल का हो जाता है। इस विधि के द्वारा उत्पन्न पौधे चूँकि पुष्प फल आदि ऊपरी भाग पर लगते हैं, अतः इन पौधों में लगने वाले फल अच्छी नस्ल के होते हैं, ठीक है। तो रोपण करते समय भूमि में लगे पौधे की समस्त कलिकाएं काट दी जाती हैं, जिससे केवल अच्छी जाति के पौधे सियान की ही कलियां बढ़ने लगती हैं। इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग गुलाब, सेब, नाशपाती, नारंगी, नींबू, बेर, आम इत्यादि में किया जाता है, ये इसके उदाहरण हैं। तो रोपण के उदाहरण आप लोग ध्यान से जानते रहिए कि सेब, नाशपाती, नारंगी, नींबू, आम आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अमरूद वगैरह सभी से आते हैं। अब स्टॉक तथा सियान के कटाव का आधार रोपण करने की भिन्न भिन्न विधियां हैं, जो इनकी तेजी से जीन विधि है। इस विधि में स्टॉक को दोनों ओर से तिरछा काटते हैं और सियान में एक खांचा परिष्कार बनाते हैं कि दोनों एक दूसरे में ठीक बैठ जाएँ। पश्चात जोड़ के चारों ओर सुतली बांधकर मिट्टी का लेप कर देते हैं। स्टॉक के पौधे का नीचे का भाग सियान से वायु विभाग बनाता है। बगल विधि है साइड ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसमें स्टॉक को पूरा न काटकर एक ओर खांच बनाते हैं जो काटने ठीक प्रकार से बैठ सके। फांट विधि है, इस विधि में स्टॉक में एक खांच बनाई जाती है जिसके सियान के दोनों ओर कटे भाग फिट कर दिया जाता है। कशा विधि, एक अनेक विधियां हैं जो जिसके द्वारा नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है। तीसरा इसमें है शाखा बंधन या अंतःचापन, इनार्चिंग। ये देखिए ये शाखा बंधन, दो शाखाओं को आसपास की शाखाओं को बांध दिया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, यह रोपण की ही रूपांतरित विधि है। इसमें घटिया जाति के पौधे के तने स्टॉक पर बढ़िया जाति के पौधे के तने सियान को जोड़ा जाता है। जोड़ने से पहले दोनों तनों के एक ओर लगभग 5 सेंटीमीटर लंबाई में छाल तथा कुछ काष्ठीय भाग छीलकर निकाल दिया जाता है। अब दोनों तनों के कटे भागों को परस्पर मिलाकर सुतली द्वारा कसकर बांध देते हैं। 3-4 महीने के बाद दोनों कटे हुए भाग आपस में जुड़ जाए, तब स्टॉक के जोड़ से ऊपर के भाग को तथा सियान के जोड़ से निचले भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार तैयार पौधे में सियान के गुण विद्यमान रहते हैं। इसका उदाहरण है आम, लीची, अमरूद, ठीक है। इसमें यह इनके लिए सर्वोत्तम विधि है। कली लगाना, कली देख रहे हैं ये फिगर में कैसे कली लगाई जा रही है, काट करके ये कली ड्राफ्टिंग की जा रही है।
बडिंग, यह विधि भी रोपण से मिलती जुलती है। इसके अंतर्गत किसी बढ़िया जाति के पौधे की एक कली को किसी दूसरे साधारण पौधे के तने पर लगाया जाता है। सबसे पहले जिस पौधे की कली लगानी होती है उसकी पर्व संधि से छाल सहित कली को चाकू से काटकर अलग कर लेते हैं। अब जिस पौधे में कली लगानी होती है उसके तने को भूमि से कुछ ऊपर काट देते हैं तथा निचले भाग को चाकू की सहायता से टी के आकार का एक घाव बनाते हैं। तत्पश्चात कली को सावधानीपूर्वक टी रूपी कटे हुए भाग में बिठा देते हैं। जोड़ पर मिट्टी लपेटकर नम कपड़े की पट्टी इस प्रकार बांधी जाती है कि केवल कली ही बाहर निकली रहे, ठीक है। और कुछ समय के पश्चात कली तने से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं और वृद्धि करके शाखाएं पैदा करते हैं। इसका उदाहरण है गुलाब, आड़ू, अंगूर, संतरा, नींबू, बेर, शरीफा। ये इन पौधों में इस विधि का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये अच्छी नस्ल के पौधे बनकर इससे तैयार होते हैं। दाब लगाना, एक कृत्रिम जनन का पांचवा भाग है दाब लगाना। दाब लगाना देखिए फिगर में, देखिए आप ये किस तरह से ये मिट्टी में तने को ये लगा करके दाब लगा दिया जाता है और छिलके छिलने के बाद यहाँ से एडवेंटेशियस रूट्स अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और फिर ये फिर बाद में यहाँ से काट करके अलग करके नया पौधा लगा देते हैं। तो इस विधि में पौधे की भूमि के निकट वाली शाखा जहाँ भूमि को छूती है वहाँ पर इसकी छाल चाकू से हटा देते हैं। अब इस शाखा को नीचे झुकाकर भूमि के अंदर लकड़ी की पिन द्वारा इस प्रकार दबाते हैं कि कटा हुआ भाग भूमि के अंदर रहे। भूमि के इस भाग को बराबर सींचते रहते हैं और कुछ दिनों के पश्चात वहाँ से जड़ें निकलती हैं और फिर मातृ शाखा, इस शाखे को मातृ पौधे से काट कर अलग कर देते हैं और फिर ये नया पौधा बनकर इस तरह से तैयार हो जाता है। यह भी सेब, नाशपाती, चमेली, बेला, नींबू, बेल, अंगूर आदि में प्रचलित है। अगला विधि है बंद लगाना, जिसे गूटी बंधन कहते हैं। यह दाब, ये देखिए बंद लगाना, यहाँ पर ये गूटिंग किया गया, बांधा गया है दूसरे पौधे की शाखा को और ऊपर ये देखिए ये मिट्टी का बर्तन है। यहाँ पर इसलिए करते हैं कि पानी भर देते हैं और थोड़ा सा छेद कर देते हैं, इस पर हमेशा नमी पानी बूंद बूंद करके गिरता रहता है, नमी बनी रहती है और वहाँ से फिर जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं, फिर काट करके अलग नया पौधा बना देते हैं। यह दाब लगाने की विधि का परिवर्तित रूप है, जैसे ये दाब लगाना है उसी का बदला हुआ रूप है। ये यहाँ पर मिट्टी में लगा देते हैं और यहाँ पर मिट्टी में नहीं, चूँकि ये मिट्टी से ज़मीन से ऊपर है इसलिए इसको मिट्टी में नहीं लगा सकते हैं, तो यहीं पर ही इसका बदला हुआ रूप है दाब लगाने का। इस विधि का प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है जहाँ पर दाब विधि का प्रयोग नहीं हो पाता है। इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच में चाकू द्वारा छाल हटा देते हैं, कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी लपेटकर मोटे कपड़े या टाट बांध देते हैं, इसे गूटी कहते हैं। मिट्टी को नम रखने के लिए यह इस शाखा से ऊपर की शाखा में जल से भरा घड़ा लटका देते हैं तथा घड़े की बेदी में छेद करके रस्सी बांध देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से नमी पानी उसमें नमी के द्वारा जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और फिर बाद में इसको जब पर्याप्त जड़ें निकल जाती हैं तो जड़ के पीछे से शाखा को काट कर अलग कर लेते हैं और फिर कहीं दूसरी जगह इसको ज़मीन में दबा दिया जाता है, लगा दिया जाता है और फिर इसे नया पौधा बन जाता है। यह विधि लीची, लौकट, नींबू आदि में प्रचलित है, अपनाई जाती है उसमें। अब देखिए कायिक प्रवर्धन से लाभ क्या क्या है। कल हमने होमवर्क में प्रश्न दिया था, बहुत बच्चों ने इसका जवाब भी दिया था। कुछ बच्चों ने अपने प्रश्नों को हल किया, कुछ ने नहीं हल किया,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज डिटेल में आपको इस बुक के माध्यम से अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी यदि नहीं मिलता है तो आप प्रश्न करिएगा, हम समझाएंगे। इसके लाभ देखिए, कायिक प्रवर्धन से लाभ क्या क्या है। पहला लाभ, कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधों की निम्न जातियों से उत्तम जातियों का विकास किया जाता है। समझवाया कि ये निम्न जातियों से उत्तम जातियों का विकास किया जाता है, ये लाभ है। दूसरा लाभ क्या है, केला, अंगूर, अनन्नास, गन्ना आदि में बीज कठिनता से एवं देरी में बनते हैं, अतः इन पौधों की उत्पत्ति केवल कायिक प्रवर्धन द्वारा ही संभव है। तीसरा लाभ क्या है, पौधों की उत्पत्ति निश्चित होती है। लैंगिक प्रजनन की भांति पौधों को इस विधि में बाह्य साधन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। चौथा, इस विधि द्वारा नए पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं। पुष्प एवं फूल व बीज बनने तथा अंकुरण फिर अनुकूल परिस्थितियों में प्रतीक्षा करने में काफ़ी समय लगता है, तो इस विधि में पौधे नए पौधे का जो जन्म होता है वो बहुत ही कम समय में हो जाता है। पांचवा लाभ है, इस विधि में पौधों को पुष्प उत्पन्न करने व परागण के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे सुगंध, मकरंद हैं और फूलों के चटकीले रंग आदि को उत्पन्न करने में पदार्थ व्यय नहीं करना पड़ता है कि परागण के माध्यम से परागण हो फिर बीज बने, तो ये सब जरूरत नहीं पड़ती है। लैंगिक प्रजनन में बीजों के अंकुरण तथा फल पकने तक उनकी देखभाल करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जबकि कायिक प्रवर्धन में इन सबसे छुटकारा मिल जाता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में बीज से उत्पन्न पौधों की अपेक्षा फल शीघ्र बनते हैं, ये भी एक फायदा है, जल्दी फल मिल जाते हैं। कायिक प्रवर्धन में पौधों की शुद्धता बनी रहती है जो लैंगिक प्रजनन में संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कि लैंगिक प्रजनन में उनमें जो युग्मकों का निर्माण होता है तो मादा के युग्मक, जनन युग्मक एक बनते समय उनमें काफ़ी भिन्नता आ जाती है, और ये तब होता है जब युग्मक बनते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि कायिक प्रवर्धन में अपने मातृ पौधे के हूबहू टू कापी होते हैं, तो सेम टू सेम पौधों की वही शुद्धता होती है जो मातृ पौधे होते हैं। नौवां है, पुराने पौधों के समाप्त होने से पूर्व ही नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं कम समय में, ये इसके फायदा हैं। कुछ इसकी हानियां भी हैं, कायिक प्रवर्धन की कुछ हानियां हैं, जैसे इस विधि द्वारा नए पौधे दूर दूर तक नहीं फैल पाते तथा मातृ पौधों के समीप ही उत्पन्न होते हैं, फलस्वरूप इन्हें भोजन, जल तथा वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते और इनकी वृद्धि ठीक से नहीं पाती, ठीक है ना। ऐसे पौधे जो कि आसपास ही लगाए जाते हैं, पौधों से मातृ पौधों से बहुत दूर तक फैल नहीं पाते हैं। जो बीज द्वारा बनते हैं, बीज कहीं से, जैसे आम फल है कोई लखनऊ से ला रहा है, कोई बंगाल से ला रहा है, तो उसके बीज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, जबकि इसमें ऐसा संभव नहीं है। इस विधि द्वारा पौधों की नई जातियां उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। नई जातियां मतलब नए स्पीसीज की उत्पन्न संभव नहीं है, उसकी हूबहू कापी ही बनती है। इस प्रकार उत्पन्न पौधों में किसी भिन्नता की संभावना नहीं रहती, फलस्वरूप वंश का सुधार नहीं हो सकता, जो कि लैंगिक प्रजनन में संभव है। और चौथा हानि क्या है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में कुछ समय पश्चात ह्रास होने लगता है, ऐसा लैंगिक उद्दीपनों के अभाव के कारण होता है, ठीक है। ये तो हो गए कायिक प्रवर्धन से लाभ और हानियाँ। कुछ एक और विधि है जिसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन या इंग्लिश में माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, यह क्या है इसको समझ लीजिए। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, माइक्रो प्रोपेगेशन होता है। पौधों की कोशिका या पादप ऊतक
या पौधों के अन्य छोटे भाग से प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम तथा नियंत्रित वातावरण प्रकाश ताप आदि कंट्रोल में हो नियंत्रित में हो में टेस्ट ट्यूब या कंटेनर में नए पौधे को विकसित करने की प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। प्लांट टिश्यू सेल्स में टिश्यू में कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति और कार्य एक जैसे होते हैं वो टिश्यू कहलाते हैं। तो ये प्रयोगशाला में नियंत्रित वातावरण में टेस्ट ट्यूब में इसको विकसित किया जाता है। इसके लाभ क्या है माइक्रोप्रोपेगेशन? इस प्रक्रिया द्वारा अत्यधिक संख्या में अत्यंत कम समय तथा कम स्थान में पादप प्रवर्धन किया जा सकता है। ठीक, दूसरा इसका लाभ है कि इस पौधे से विकसित पौधों में विषाणु जनित रोग नहीं पाए जाते हैं। तीसरा, एक लिंगी फलयुक्त पौधों में मादा पौधे का विकास इस विधि से किया जाता है, जैसे पपीता उदाहरण। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा विकसित पौधे रोग मुक्त होते हैं, सबसे बड़ी बात है। और सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा विकसित पौधों की संख्या एक समय में अधिक बढ़ाई जा सकती है, जो उपज बढ़ाने में सक्षम होती है। सभी पौधे एक ही अनुवांशिक रचना के होते हैं। तो ये माइक्रो प्रोपेगेशन के लाभ हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन कई स्टेप में होता है और यह प्रक्रिया के चार चरण हैं। सबसे पहला चरण है, सबसे पहले पादप उत्तक को कृत्रिम पोषण माध्यम में रखकर वृद्धि कराते हैं। फिर कोशिकाओं का समूह जब बन जाता है, जिसे हम कैलस बोलते हैं, सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं। फिर दूसरे चरण में कैलस से हार्मोन युक्त पोषण माध्यम में तने व शाखा के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हीं कैलस से तने व शाखा विकसित होते हैं। फिर तीसरे चरण में पोषण माध्यम से शाखाओं को अलग करके परिवर्तित पोषण माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है, जहां मूल यानी जड़ का विकास कराकर नए पौधे का निर्माण किया जाता है। चौथा पद है, पोषण माध्यम से नए विकसित पौधे को निकालकर गमलों या खेत फील्ड में रोपित करते हैं। ये देखिए फिगर के माध्यम से कैसे ये इनका स्टेप वाइज किया गया है। ठीक है, ये और इसे टेस्ट ट्यूब में प्लांट करके नए पौधे बन जाते हैं। अब अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में।